गुड इवनिंग वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माइंडफुल इंग्लिश विद शिवानी शर्मा। अभी थोड़े दिन पहले हमने अराउंड 2-3 डेज बैक हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट में हमने फाइनाइट वर्ब्स किए थे और नॉन फाइनाइट वर्ब्स किए थे। फाइनाइट वर्ब क्या था? दैट वॉज द वर्ब्स दैट इज वाई लिमिटेड बाई नंबर एंड पर्सन, राइट, जिनके ऊपर नंबर और पर्सन दोनों का इफेक्ट होता है, दैट वॉज फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनेट में हमने क्या किया था? इन्फिनेटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल, राइट। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ लिख दी हैं उस दिन की तरह, राइट। इन्फिनेटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल की मैंने इंट्रोडक्शन, आपको अगर आप वो वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी, लेकिन उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने जो आज की वीडियो है हमारी, पहले मैं वैसे जीरेंड से शुरू कर देती हूँ। जीरेंड एग्जाम्पल सबसे, मतलब जब मैं पढ़ती थी तो मुझे ये सबसे आसान लगती थी। जो जीरेंड है, क्या दैट इज, वॉट इज दैट फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इज यूज एज अ वर्ब, सो एज यूज एज अ सब्जेक्ट, राइट, वर्ब नहीं सब्जेक्ट। यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी जब जो वर्ड है वो एज अ वर्ब, सॉरी एज अ सब्जेक्ट यूज होता है या फिर एज अ नाउन यूज होता है, दैट इज कॉल्ड जीरेंड फॉर्म ऑफ द नॉन फाइनेट वर्ब्स। मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल दी थी, वही वाली सेम आज दे देती हूँ, वो आसान सी रहती हैं। वॉकिंग इज गुड फॉर एवरी वन, वैसे गुड फॉर ओल्ड पीपल। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, राइट। इस तरह से जो होती हैं, स्विमिंग क्या है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी वर्ब भी है, लेकिन जब हम इस सेंटेंस में यूज करते हैं दैट बिकम्स अ जीरेंड फॉर्म। चलिए इसको छोड़िए, आपको ये पुरानी वाली वीडियो में मिल जाएगा, फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। मैंने आगे कुछ इन्फिनेटिव्स की लिखी है, ठीक है। जो इन्फिनेटिव होते हैं वो प्रेजेंट इन्फिनेटिव भी होता है और परफेक्ट इन्फिनेटिव भी होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, टू हेल्प, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, He wants to help me। जिन वर्ब्स के आगे टू लगा होता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इन्फिनिटिव। आई वॉन्ट टू राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, ठीक है। मैं जो है एक एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो ये वाली जो टू के बाद में वर्ब आती है उसको हम प्रेजेंट इन्फिनिटिव बोलते हैं, राइट। और परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि हैज हैव जो टेंस यूज होता है, हैड यूज होता है, दैट इज परफेक्ट इन्फिनिटिव। जैसे परफेक्ट इन्फिनिटिव में टू हैव हेल्प्ड, टू हैव रिटन, जो इसके बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है उसको हम परफेक्ट इन्फिनिटिव्स बोलते हैं। और जो पार्टिसिपल होता है उसको हम, अगर आई एन जी प्रेजेंट उसमें बोलेंगे तो हेल्पिंग, राइटिंग, आंसरिंग, जो भी अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, राइट। राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, आंसरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द इन्फिनेटिव। और इसी का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है दैट इज अगेन, पास्ट पार्टिसिपल किस पे पढ़ते हैं? जो वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, उसी को थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, राइट। दिस इज पार्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बस इसमें मुझे लगता है इतना ही आपके लिए काफ़ी है, लेकिन आगे अगर मैं आपको थोड़ा सा और करवाती हूँ तो उसमें क्या आएगा? अगर मैं एग्जांपल भी इसकी उठाती हूँ, चलिए एग्जांपल नहीं उठाती हूँ मैं, वैसे ही आपको इन्फिनेटिव वर्ब्स बोलती हूँ। मैंने लिखा हुआ है कि इन्फिनेटिव वर्ब्स को आगे और समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए हमें क्या ज़रूरी है। आई वॉन्ट टू सिंग, मैंने क्या बोला था अभी थोड़े दिन पहले? टू फॉर्म है, राइट, टू इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं। आई वॉन्ट टू सिंग, अब अगर देखा जाए तो आई वॉन्ट, जो वॉन्ट है वो भी वर्ब है, राइट, वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड, टू सिंग आ गए, इन्फिनेटिव फॉर्म आ गया। तो दिस इज, यानी कि इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, सो दैट मीन्स दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द इन्फिनेटिव फॉर्म। वी होप टू विन, हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे, हम जीतते हैं। वी होप टू, होप क्या है? वर्ब है, आगे टू विन है वो भी वर्ब है। तो एक ही सेंटेंस में देर आर टू वर्ब्स, बट दिस इज टू फॉर्म एंड दिस इज सिंपल वर्ब, राइट, एक्शन वर्ब। सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मीन्स कि ये वर्ब है एंड दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, राइट। एंड टू स्टील इज अ क्राइम, टू स्टील इज अ क्राइम, क्या हुआ? टू स्टील इज अ क्राइम, टू स्टील, अगर मैं इसी का एक और सेंटेंस बना दूं, आई वॉन्ट टू स्टील बटर फ्रॉम माई फ्रिज, क्योंकि मेरी मम्मी जो है बटर खाने नहीं देती, तो आई वॉन्ट टू स्टील,
तो अगर हम बाद में टू स्टील लगा देंगे दैट विल बिकम दिस पार्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द इनिशियल फॉर्म, लेकिन यहाँ पर जो टू स्टील है वो हमने सब्जेक्ट बना दिया, किसका, इज वर्ब का, जो इज है वो भी तो हेल्पिंग वर्ब है ना। आपके ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो टू स्टील है अगर मैं लिखूँ I want to steal यहाँ पर जगह I want to steal butter या फिर I want to steal chocolate from my brother's cupboard, मैं अपने भाई की अलमारी में से चॉकलेट चुराना चाहती हूँ क्योंकि अदरवाइज वो मुझे देता नहीं है, वैसे तो चोरी करना गलत बात है। I want to steal, want form आ गया, steal to steal आ गया, this is called simple object of the, लेकिन यहाँ पर क्या, to steal is a crime, जो चोरी करना है वो एक क्राइम है, तो जो टू स्टील है एज अ काइंड ऑफ एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, लेकिन वर्ब यहाँ पर कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब इज, राइट। एंड थर्ड इज द प्रिंसिपल आस्क्ड मी टू गो, द प्रिंसिपल आस्क्ड फिर से वर्ब है यहाँ पर, मी टू गो, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। हर एम इज टू बिकम एन इंजीनियर, हर एम इज टू बिकम, इज है टू बिकम, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव फॉर्म्स, आप इसको दो चार बार सुनोगे या किसी ग्रामर बुक से पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर और आपको एग्जाम्पल्स पढ़ के दिखा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट एवरीथिंग हियर, टू सिंग, टू विन, टू स्टील, टू गो, टू बिकम, दे आर कॉल्ड इन्फिनिटिव्स टू फॉर्म्स, जो टू के साथ होती है, अगर टू के साथ बिना इन्फिनिटिव है तो दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव, राइट। बेयर मीन्स वैसे अनकवर्ड होता है, दैट इज बेयर इन्फिनिटिव। और तो ज्यादा कुछ और नहीं है, कुछ फॉर्म्स जो होती हैं ऐसी होती है जिसमें हम टू नहीं लगा सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है मुझे रब करना पड़ेगा, एक सेकेंड रुक के, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ सेंटेंस, यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट में मैं यू मस्ट टू डू इट नहीं लिख सकती, सिंपल लिखने पड़ेगा यू मस्ट डू इट। तो ये वाली जो सेंटेंस के ये वाली फॉर्म्स होती है उसके आगे हम टू नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस को अगर मैं दूसरी तरह से कहने जाती, आई वॉन्ट टू डू इट, तो यहाँ पर वॉन्ट वर्ब है, टू डू आ गया। तो ये हमें अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस देखना है कि कहाँ पर टू लगना है कहाँ पर नहीं लगना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ही विल अटेंड द मीटिंग, ही विल अटेंड द मीटिंग, आई वॉन्ट टू अटेंड, ही वॉन्ट्स टू अटेंड द मीटिंग, राइट, ही इज आस्क्ड टू अटेंड द मीटिंग, तो वो उसमें डिफरेंट सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर हम जो है ना टू का यूज नहीं कर सकते, राइट। विल के साथ, विल के बाद जो हम टू नहीं लगा सकते, इसी तरह से हमने मस्ट के बाद हम टू नहीं लगा सकते, और बहुत सारी थी, डू, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, ये जो सारी वर्ब्स होती हैं इनके बाद हम टू का फॉर्म यूज नहीं करेंगे। बहुत बार बच्चे ये वाली मिस्टेक करते हैं, जैसे वो लिख देता, जैसे सपोज आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, आई कैन टू लिफ्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस हमें देखना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए। पार्टिसिपल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, जीरेंड फॉर्म मैंने आपको दो तीन बार बता दी है, और जो है नॉन फाइनाइट फॉर्म्स है, वर्ब्स है, इन्फिनेटिव फॉर्म है, मोस्टली जो है इन्फिनेटिव के यूज़ को आपने बहुत ध्यान से करना है कि टू का यूज़ कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है, इसका आपने ध्यान देना है। और मुझे लगता है एक और पार्ट की अगर ज़रूरत होगी तो मैं बना दूंगी, बट आई थिंक दिस इज़ क्लियर, सो इफ दिस इज़ क्लियर देन ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।